हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की स्टूडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 का यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में। आरंभिक मानव समाज किस प्रकार का था, कैसे विकसित हुआ, विकास होने की प्रक्रिया क्या थी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पार्ट थर्ड रहने वाला है। यूनिट फर्स्ट को हम टोटल चार पार्ट में कवर करने वाले हैं। पार्ट थर्ड के अंदर हम बात करेंगे पशुपालक खानाबदोश समाज के बारे में, कि किस प्रकार से विकसित हुआ, आरंभिक मानव से किस प्रकार से पशुपालक खानाबदोश समाज के तौर पर वो विकसित हुए, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप बात करते हो प्रारंभिक काल में जो मानव का विकास चक्र को देखते हो, तो स्टार्टिंग में वो शिकार और संग्रहणकर्ता के तौर पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। छोटे जानवरों का शिकार करते थे, पेड़ पौधे से कंदमूल का फल इकट्ठा करते थे, शहद इकट्ठा करते थे, और उसके बेसिस पे ही उनका जीवन व्यापन चलता था। ये उनकी जीवन शैली थी, इसी तरीके से उनका रोजमर्रा का काम चलता था। पर समय के साथ साथ में क्या होता है, उनकी ज्ञान में वृद्धि देखी जाती है, वो चीजों को समझ पाते हैं कि पशुओं और वनस्पति होता है किस तरह से प्रजनन करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से कैसे वो आगे बढ़ते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से छह कैसे होते हैं, ये उनको समझ में आता है, उनकी ज्ञान में वृद्धि होता है, और इसी का वो उपयोग करके पशुपालक खानाबदोशी के तौर पर जीवन व्यतीत करना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं था कि अचानक से उनको ज्ञान आ गया कि भैया इस तरीके से एक बीज डालेंगे तो दूसरा पेड़ उगेगा, फिर उसमें चार बीज निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था कि रातों रात आ गया। एक लंबे समय अंतराल के साथ में जैसे जैसे उनके वातावरण में परिवर्तन होता चला गया, उनके रहन सहन में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, जलवायु में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, आसपास के समाज में जो परिवर्तन हो रहा था वो इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है। अब देखोगे तो स्टार्टिंग में जो मनुष्य थे वो क्या कर रहे थे, एक जगह रुककर शिकारी संग्रहणकर्ता के तौर पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो भी जिस भी जंगल में रह रहे एक जगह रुक गए, यहाँ पे उन्होंने शिकार करना शुरू किया था, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू किया। जब आप पूरा पाषाण काल को देखते हो तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, पुराने और बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, तो उन औजारों से बड़े जानवरों का शिकार करना संभव नहीं हो पाता था, तो जिसके कारण से वो क्या करते थे, छोटे जानवरों का ही शिकार किया करते थे, ठीक है, ये चीज समझ में आता है। संग्रहणकर्ता के अंदर में क्या करते थे, कंदमूल का फल इकट्ठा करना, जंगलों से ये सब चीजें करके लाना। अब मान के चलो एक टाइम पीरियड ऐसा आया जहां पे इनकी आबादी तो बड़ी धीरे 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 धीरे, जो भी मानव थे उस समय उनकी आबादी तो बढ़ती गई, ठीक है, पर वो जो जानवर थे छोटे जानवर उनकी आबादी कम होती चली गई। तो कुछ लोग तो औजार अलग तरीके का बनाना शुरू किया जिससे बड़े जानवरों का शिकार कर सके, कुछ लोग क्या किए वहां से विस्थापित हो गए, विस्थापित हो गए तो विस्थापित होने के बाद दूसरे जगह चले गए, वहां पर रहने लगे। तो इस तरह से जो विस्थापित होने की प्रक्रिया रही, उसके आसपास में जो जलवायु में परिवर्तन हुआ, कोई भी जानवर दुनिया पे जितने भी जानवर है ना, अगर कोई भी जानवर खत्म हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किसी साइकिल चैन पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब लोग यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित हो गए, तो दूसरी जगह जब विस्थापित हुए तो वहां पे उसको कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, उसके वातावरण में, उसके हाल चाल बोल चाल में उसके परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से मनुष्य धीरे धीरे विकसित होता चला गया और आसपास की चीजों को सीखता चला गया कि कैसे हमें विकास करना है। इस प्रकार आप देखोगे तो पशुपालक खानाबदोश जीवन शैली का प्रारंभ हो जाता है, जहां पे पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया जाता है। अब ऐसा नहीं था कि किसी भी जानवर को पकड़कर पालतू बना दिया, कुछ भी कर लिया, सबसे पहले उन्होंने चीजों को समझा, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, हमें ज्ञान ही नहीं मिलता कि कौन से पशुओं को हम रखेंगे जिससे हमारा एक से दो होगा, दो से चार होगा, चार से छह होगा, तो हम क्या करेंगे। अगर मान लो मेल मेल को सिर्फ आप ले गए, ठीक है, मेल मेल को सिर्फ ले जाकर अपने घर में रख दिए तो क्या एक से दो होगा, दो से तीन होगा, ऐसा नहीं होगा। या सिर्फ ओनली फीमेल को ले गए तो भी ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको मेल फीमेल जो दोनों, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, प्रजनन के लिए चाहिए होता है, वो दोनों लेके जाओगे पशु को, तब आप आगे बढ़ सकते हो ना, विकास कर सकते हो। तो सेम चीज जब उन्होंने चीजों को समझा कि क्या प्रक्रिया है, प्रजनन होता कैसे है, अगर आप खेत में बीज बो रहे हो तो बोने का क्या प्रक्रिया है, कैसे बोया जा सकता है, अगर हम एक बीज बोएंगे तो कितना फल निकलेगा, धीरे धीरे जब उन चीजों को समझा उन्होंने तो उसके बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और आगे वो बढ़ते हैं। अगर आप पशुपालक खानाबदोशी के जीवन शैली को देखते हो तो उन्होंने इन चीजों को सीखने के बाद पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, जिसमें अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो किन जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया, तो कुत्ता को बनाया, सुअर को बनाया, घोड़े जैसे पशु को बनाया। पर घोड़े का साक्ष्य एशिया जैसे देशों में ही मिलते हैं, जहां पे जो खानाबदोशी जो लोग थे वो एक तरह से लूटपाट जैसी चीजों में उनको घोड़ा का उपयोग किया गया। पर मेनली अगर देखोगे ना किन जानवरों को पालतू बनाया गया, तो सबसे ऊपर में आते हैं सुअर और कुत्ता। सुअर और कुत्ता क्यों मिलता है प्रमाण इनका, इसका रीजन ये है कि दोनों ऐसे जानवर थे जिनके रख रखाव में कोई स्पेशल खर्चा नहीं होता था, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, जो भी मनुष्य का बचा खुचा रहता था वो ये खाकर जीवन व्यतीत कर सकते थे, जी सकते थे आसानी से। और कुत्ते का बेनिफिट ये भी होता था कि जैसे उन्हें शिकार खोजना है या कभी किसी तरह की मुसीबत है तो कुत्ता उनको हेल्प कर सकता था वहां पे। सुअर इनकी गंदगी को साफ करने में मदद कर देता था, जो भी इनकी गंदगी होता था तो उसको वो निपटारा कर सकता था। घोड़े जैसे जानवरों का उपयोग लूटपाट जैसी घटनाओं के लिए किया गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तरीके से किया गया। जैसे आप चंगेज खान के बारे में पढ़ोगे, मंगोलियाई वंश के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो हुन वंश के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे घोड़े का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलता है।
कि जिसके पास जितना अच्छा घोड़ा होगा वो उतना ज्यादा लूटपाट कर सकेगा, एक जगह दूसरी जगह जा सकेगा, ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। स्टार्टिंग में तो इन्हीं जानवरों को पालतू बनाया गया, पर समय अंतराल के साथ में देखा गया कि भेड़ बकरी मवेशी जैसे पालतू जानवरों को भी पालतू बनाया जाने लगा, उनको पाला जाने लगा। इसका रीजन क्या था कि जो मनुष्य की जरूरतें थी ना वो कहीं ना कहीं इन चीजों से टकराती थी। जैसे वो भेड़ पालते हैं तो उनका बेनिफिट क्या था कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर कभी रास्ते में भूख लगी तो उसका निपटारा के लिए वो भेड़ को खा सकते थे, बकरी को खा सकते थे, जो भी मवेशी पाल रहे हैं तो इनसे उन्हें दूध भी मिल जाता था जिससे उनका जीवन व्यापन हो सके, तो इसके कारण से इन चीजों को पाला जाता था। ठीक है, पशुपालन के आरंभ में जो आरंभ के साथ में देखोगे मनुष्य की जो मानव की जीवन शैली थी उसके व्यापक परिवर्तन में देखने के लिए मिल जाता है। देखो अब पहले का जो मानव था, जो आरंभिक मानव जिसने शिकार संग्रहण ठीक है रसद जैसे कार्य किए, मछली पकड़ने जैसे कार्य किए, तो उसका रहन सहन तरीका अलग रहा होगा। पर अब जो लोग पशुपालक के तौर पर जीवन व्यतीत करने लगे ठीक है, तो वो एक उनके कल्चर में परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा, आपने अभी आपके घर में कोई कुत्ता नहीं है, मान लो चलो कोई कुत्ता नहीं है, पर अगर आपने कुत्ता पाल लिया ठीक है, कुत्ता कोई भी जानवर पाल लिया, आप पालते हो तो आप उसका रखरखाव करोगे, देखभाल करोगे, जो जो आपका डेली रूटीन है कितने बजे पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे करना है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप बहुत अमीर हो कि कोई नौकर रख रखे हो तो बात अलग है, बट नॉर्मली क्या होगा कि आपको उसको घुमाना, वॉक करवाना, ये करना वो करना, इसके लिए लाना उसके लिए वो करना, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे डेली रूटीन के अंदर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कई सारे दोस्त हैं हमारे जिनके पास कुत्ता है, तो उनके घर पे जाते हैं ना तो वो उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे उनके वो परिवार का मेंबर है। ठीक है, अगर कुछ आया, दिवाली है, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में सोचना प्रॉपर केयर, ये हमारे घर का सदस्य है, अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, इस तरीके से करना। पर हमारे घर में नहीं है तो हमें उस तरह की कोई वो नहीं है, तो हम दोनों का अगर हम कंपेयर करें ना तो उसके जीवन शैली में उसका जो व्यवहार है, डेली रूटीन का व्यवहार है, उसमें काफी परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो सेम इसी तरीके से देखा गया कि मनुष्य ने जब पशुपालन की शुरुआत करता है तो उसका मानव जीवन की जो शैली थी ना, जीवन शैली कि किस तरीके से जीवन जी रहा, उसके अंदर में हमें व्यापक परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। साथ साथ में आगे बात करोगे तो शिकारी संग्रहण करता जीवन व्यापन शैली में जानवरों को मारकर तुरंत खाया जाता था। अब वो इन जानवरों को पालने का बेनिफिट ये भी रहता था भेड़ बकरी मवेशी जैसे जानवरों का कि अगर कभी जरूरत पड़ रहा है, एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पे भोजन नहीं है या कुछ और नहीं है, तो वो मारकर उसे तुरंत खा भी सकते थे, इसके कारण से इन जानवरों को पाला जाने लगा। ठीक है, कुत्ता और सुअर जैसे घोड़े जैसे जानवरों को तो वो नहीं कर सकते थे, पर भेड़ बकरी गाय जो होती थी उनका डबल बेनिफिट होता था कि दूध भी दे रहे हैं टाइम पर, ठीक है, चाय पाई का तो चल ही रहा है, भेड़ का क्या होता था ऊन मिल जाता था, ठीक है, बकरी का क्या होता था अब चलो इन सब चीजों का हो गया खत्म काम, तो जरूरत है तो उसको मार के खा भी सकते थे, ये सारी चीजें रहती थी। पशुपालन के बाद अब इन जानवरों को पाला जाने लगा। ठीक है, जैसे जैसे पशुपालन हुआ ना तो अभी जो भी नए जानवर थे उनको भी यहाँ पे पाला जाने लगा। भोज्य पदार्थ के अभाव में इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाने लगा। जो भी जानवर हुआ करते थे, जो इनको पालते थे, अगर कभी भोजन का अभाव रहता था, खाद्य पदार्थ का अभाव रहता था, तो भोजन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। पशुपालक खानाबदोश पशुओं के लिए चारगाह की खोज में निरंतर घुमा करते थे। एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने के कई सारे रीजन रहते थे, जिसमें एक प्राइमरी रीजन अगर देखोगे पशुपालक खानाबदोश समाज के अंदर में तो ये रहता था कि यहाँ पर एक जगह पे चारा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे भाई, दूसरी जगह विस्थापित हो जाएंगे। यही रीजन रहता था कि इस वाले खेत में नहीं है तो दूसरे वाले खेत में चले जाओ। हम सब ने गाँव में भी देखा है, जैसे हमारे गाँव में जो खेतीबाड़ी करते हैं या जिनके घर पे मवेशी हैं, तो क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर खेत है कि इस वाले खेत में आप ले जाओ चरा के ले आना गाय को या भैंस को, जो भी है वो उन्होंने बोला, अगर उस वाले खेत में नहीं है चारा, प्रॉपर घास नहीं उगा हुआ है, तो किसी और खेत में ले जाएंगे, तो एक जगह से दूसरी को विस्थापित किया ना, तो सेम चीज यहाँ पे हमें उस टाइम पे ये भी देखने के लिए मिल जाते थे। ठीक है, दिल्ली के अंदर में काफी सारे बंजारे लोग आते हैं जो मध्य प्रदेश राजस्थान से आते हैं, वो क्या करते हैं 100-200 के लोगों के ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, आए रोड के किनारे में पूरा झोपड़पट्टी जैसा बनाया और उसमें रहने लग गए, प्रॉपर रहे महीने भर, साल भर, दो साल रहे, एक जगह से फिर दूसरी जगह स्थापित होगा। ये साल दो साल तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है, नॉर्मली महीने, डेढ़ महीने, 15 दिन 20 दिन ऐसे रहते हैं, वो एक जगह प्रॉपर सेटअप के साथ में रहे और उसके बाद में दूसरी जगह विस्थापित चले गए, विस्थापित कर गए। ठीक है, तो जैसे जैसे पशुओं की खोज के लिए ना, जो खानाबदोश थे पशुओं को चारागाह की खोज के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह निरंतर घुमा करते थे, जहां पे अच्छा चारा मिल सके, जहां से अपने पशुओं का मतलब पालन पोषण कर सके, ये चीजें वहां पे देखने के लिए मिल जाती थी हमें। किसानों की तरह इनका निवास स्थान स्थल नहीं होता था, मतलब एक फिक्स स्थान नहीं होता था कि यहीं पर रहने वाले, इसका भैया पोस्ट ऑफिस नंबर ये है और ये वाला घर का एड्रेस है, ऐसा नहीं होता था, ये कहीं भी एक जगह दूसरी जगह स्थापित होते रहते थे, एक जगह है फिर कहीं और है, कहीं और है, इस तरीके से चलता था। इन पशुओं का जो क्षेत्र है आमतौर पर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के घास के मैदान हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ इनके पशुओं की पर्याप्त चारगाह उपलब्ध थी। अगर आप इन पशुओं की बोलोगे ना कि चारगाह सबसे ज्यादा कहाँ पे था, तो एशिया के अंदर में, अफ्रीका के अंदर में, अमेरिका के अंदर के घास के जो मैदान थे, यहाँ पे चारगाह भरपूर मात्रा में उपलब्ध मिल जाता था।
सभी पशुपालक खानाबदोश एक ही तरह के पशुओं को पालन नहीं करते थे, अलग अलग तरह का पशुओं को पाला जाता था। ऐसा नहीं होता था कि सबने गाय पाला तो सबने गाय पाला, सबने भेड़ पाला तो सबने भेड़ पाला, ऐसा नहीं होता था। क्षेत्र के अनुसार भी उन चीजों में अलग अलग हमें चीजें देखने के लिए मिल जाती थी। अब जैसे देखोगे दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली के आसपास में ज्यादातर जगह पर अगर हमें देखने के लिए मिलता है तो भैंस देखने के लिए मिलता है। हरियाणा जाओगे तो आपको भैंस देखने के लिए मिलेगा, पर वहीं पर अगर आप यूपी और बिहार जाते हो, जो लास्ट है बिहार के साइड वाला यूपी अगर आप जाते हो, तो वहां पे ज्यादातर घरों में, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो चाहे किसी और जगह पे जाते हो, तो वहां पे आपको ज्यादातर गाय देखने के लिए मिलेगा, जो गाय पाला जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये हमें देखने के लिए मिलता है, पर दिल्ली जैसे हरियाणा से काफी सटा हुआ है तो यहाँ पे हमें ज्यादातर घरों में आपको मिलेगा देखने के लिए क्या जानवर मिलेगा, तो भैंस हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो क्षेत्र होता था ना, जिस भी वो एरिया में रह रहे हैं, जहां पे भी वो जा रहे हैं, तो उसके अनुसार से ये रहता था कि हर ग्रुप वाला जो बंदा है ना, जो पशुपालक है, पशुपालक खानाबदोश, वो अलग अलग जानवरों को पाला करता था, एक जैसा सिंगल जानवरों को नहीं पालता था। पश्चिम तथा दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी एवं पूर्वी अफ्रीका के मैदानों में रहने वाले खानाबदोश पशुपालक सामान्यतः बकरी, भेड़ और मवेशी पाला करते थे। ठीक है, अगर आप बात करते हो उत्तरी अफ्रीका के छोटे छोटे जो मैदान थे उसके आसपास में रहने वाले जो लोग थे, वो खानाबदोश पशुपालक के तौर पे तो थे ही विकसित, वो भेड़, बकरी, गाय, मवेशी, ये सब चीजें पाला करते थे। उनकी संपत्ति उनके लिए क्या थी, पशु को ही वो संपत्ति के रूप में मानते थे। ठीक है, पूरे एशियाई स्टेप्स के जो मैदान थे, हालांकि पशुपालन व्यवस्था के निगम से पूर्व रेडियर को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। देखो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ भेड़, बकरी, गाय, मवेशी ही पालतू बनाए जा रहे थे, अलग अलग जो जानवर थे ना उनको भी पालतू बनाने की कोशिश किया जा रहा था। वहीं पर अगर आप देखो पूरे एशियाई जो स्टेप्स में मैदान थे, वहां पे जो पशुपालन व्यवस्था का जब आरंभ हुआ, तो उन्होंने जो रेडी डियर करके जो दूसरा जानवर आता ना उसको पालतू बनाना आरंभ किया। पशुपालक समुदाय का जो आमतौर पर जो समकालीन सभ्यताओं के अंदर में जो प्रमुख केंद्र रहा है, वो दूर दूर रहा करता था। ऐसा नहीं होता था कि पास पास में प्रमुख जो केंद्र होता, समकालीन सभ्यताओं का जो केंद्र होता तो वो स्थापित किया जाए, ऐसा नहीं रहता था, दूर दूर बनाया जाता था। अरब एवं अफ्रीका में रहने वाले जो पशुपालक खानाबदोशी थे, वो विशेषकर ऊँट ही पाला करते थे। ऐसा नहीं था कि हर जगह गाय, बकरी, भेड़ पाला जा रहा है, तो अरब के जो लोग थे वो ऊँट पाला करते थे। इसका मेन रीजन क्या रहता था कि उनके जोन के अंदर में जो भी उनकी व्यवस्था थी, जिस जगह वो रहते थे उसके में जो ऊँट था वो इजिली ढल सकता था, इजिली रह सकता था, जिसके कारण से ऊँट का वहां पे पालन किया जाता था। यह कम भोजन पानी पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते थे। ऊँट की खास बात, बिना पानी के कई दिन तक जिंदा रह सकते, बिना भोजन के कई दिन तक जिंदा रह सकते थे। इसके कारण से ऊँट को पालने पर जोर दिया गया। यहाँ पे आप देखोगे ऊँट पालने से सहारा एम मरुभूमि से गुजरने वाले व्यापारी मार्गों पर इनका नियंत्रण हो गया। अब देखो जब ऊँट पालना शुरू किया तो एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट्स के तौर पर विकसित हुआ, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह को ट्रेवल करने के लिए क्या क्या जाना था, ऊँट का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अगर वो इसका उपयोग ही नहीं करते, इसको इस तरीके से लाते ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो भी गाय भैंस की तरह बैठे रहते कि गाय भैंस हमारे यहाँ पे भी आएगा, तो शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऊँट को अल्टरनेटिव के तौर पर लिया, गाय भैंस जो भी था उसकी जगह पे, और वहां पे वो ऊँट के थ्रू क्या करता था, ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम किया जाता था। खानाबदोश समूह जो है अपने जीवन यापन के लिए पशु का पालन और रखरखाव क्या करते थे, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए। ऐसा नहीं था कि पशुओं को रख रहे हैं तो कोई फायदा हो रहा है या कोई बेनिफिट है, कोई लॉटरी लगने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता था। मेन इनका पर्सपेक्टिव क्या होता था कि हमारा जो जीवन यापन का तरीका है ना उसमें सुधार हो सके, हम अच्छे तरीके से जी सके, ये मेन रीजन रहता था। अगर आप आधुनिक अध्ययन जो मॉडर्न स्टडीज के बारे में आप बात करते हो, उसके अनुसार ये कहा गया कि सच्चा खानाबदोश गरीब नहीं होता। जितने भी आपको सच्चा और सही खानाबदोश दिखेंगे वो गरीब नहीं दिखेंगे। इसका मेन रीजन क्या देखा गया कि ज्यादा संपत्ति उसके लिए भार होती थी। ठीक है, अगर मान लो किसी को ज्यादा संपत्ति दे दिया जाए तो सोचे यार इतना भारी भरकम कौन उठा के ले जाए, कौन धोए, ठीक है, तो वो ज्यादा संपत्ति उनके लिए भार के समान देखी जाती थी। उनके पास उतना ही सामान होता था जिसे वो ढो सके, लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पशुपालक खानाबदोश आमतौर पर घूमतू लोग हुआ करते थे, जो एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये मौसम के अनुसार चार गांवों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण किया करते थे। ठीक है, मौसम के मतलब जैसा जैसा मौसम है, जहाँ पे पानी है कहाँ पे नहीं है। अब किसी जंगल में रह रहे हैं वहां पे पानी का जो कुंड है वो सूख गया, तो भैया दूसरे कुंड में जाओगे ना जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ठीक है, जल की व्यवस्था है, वो चीजें देखोगे तो यहाँ पे ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये जो थे अपनी जरूरतों के समान विभिन्न विनिमय के माध्यम से प्राप्त किया करते थे। विनिमय मतलब क्या, एक सामान के बदले में दूसरा सामान लेना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफर वाला, तो विनिमय के माध्यम से ये अपना सामान, विनिमय मतलब के माध्यम से अपना सामान प्राप्त करते थे। जो भी इन्हें खरीदना होता था वो उसको ले सकते थे। ठीक है, ये अपने पशु या उसके उत्पाद पे बल देते थे तथा इनके बदले में अनाज की पदार्थ इनको प्राप्त होता था। जैसे ये क्या करते थे कि किसी ने बोला कि भैया मैं आपको गेहूं दूंगा बदले में आप मुझे चावल दो, या मैं आपको चावल दूंगा आप मुझे गेहूं दो, तो इस तरीके से क्या होता था कि गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, इस तरीके से इनको एक्सचेंज भी किया करते थे और यही इनका कार्य रहता था।
जब कोई खानाबदोश अमीर हो जाता था तो वो एक स्थान पर जाकर बस जाता था, वो खानाबदोश का जीवन व्यतीत करना बंद कर देता था क्योंकि वो अमीर हो चुका है, वो घर ले सकता है, इस तरह की जिंदगी जी सकता है, तो ये चीजें की जाती थी। साथ साथ में आप देखोगे कि जो खानाबदोश थे बहुत गरीब हुआ करते थे, वे बहुत दिनों तक इस जीवन शैली को नहीं अपना पाते थे, ठीक है, गरीब होने के साथ साथ में जो जीवन शैली चलती आ रही थी उसको अपना नहीं पाते थे। जब कभी इन पशुओं को अचानक किसी अचानक तीसरी बीमारी, ठीक है, तीसरी आदि, जब किसी इनके पशुओं की अचानक बीमारी आदि से बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती थी तो सभी लोग बड़े समुदाय के आकर वहां पे जीवन यापन करते थे, सेवा में लगकर अपना जीवन यापन करते थे। देखो अब ये नहीं रहता था कि अगर कोई जानवर मर रहा है, किसी और का मर रहा है तो चलो छोड़ दो मरने दो, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अगर किसी को पता चलता था कि यार उसका जानवर मर रहा है, उसका जानवर ये है, तो उसकी बड़े बीमारी के अंदर में आकर पैमाने पर बड़ी मात्रा में आके लोग स्थाई स्थाई जो बस्ती समुदाय थे की सेवा को लगाकर जीवन यापन करते थे। वहां पे प्रॉपर वो सोचते थे कि यार हमारा भलाई का काम हो रहा है, हमारा भगवान मदद करेगा, चलो हम इसकी हेल्प करते, तो इस तरीके की थिंकिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। अगर आप लूटपाट की बात करोगे तो लूटपाट पेशा अपना कर जीवन यापन क्या करता था, अगर अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना आधुनिक स्टडी पढ़ रहे हैं कि मॉडर्न स्टडी क्या है, ठीक है, पशुपालक खानाबदोश को लेकर, तो यहाँ तो मैंने बताया कि किस तरीके से अमीर होते थे गरीब होते थे, तो मैंने समझाया आपको। साथ साथ में लूटमार जैसा जो पेशा होता था ना उनका जीवन यापन के लिए मेन प्रमुख होता था, ठीक है। आमतौर पर यह पशुपालक खानाबदोश में योद्धा पुरुष के तौर पर वर्चस्व स्थापित करते थे। शारीरिक जो सौंदर्य और साहस की अगर आप बात करोगे तो पुरुषों का आकार का मानना था कि पशुपालक खानाबदोश द्वारा घोड़े का प्रयोग एवं काल विशाल कारण विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई, जैसे जो घोड़े का प्रयोग था उसके कारण से ही यहाँ पे विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई, ये भी इनका मानना था, ठीक है। घोड़े को पालतू बनाने के बाद इनकी प्रकृति जो आक्रामक थी वो कम सी हो गई थी, वहां पे थोड़ा कम हो गया था। इसके बाद आप आगे बात करो तो स्थिर मध्य समाज के लिए आक्रमणकारी रूप से जाना जाता था कि किस तरह से समाज विकसित हो रहा है, इसको यहाँ पे देखा जाता था, ठीक है। खानाबदोश समूह की ही सुप्रसिद्ध नेता चंगेज खान जिसने जिसके जिसका था, आप देखोगे ना तो खानाबदोश समाज के अंदर में तो अलग अलग लोग भी आए जो अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे खानाबदोशी समाज के अंदर में चंगेज खान का भी नाम आता है कि चंगेज खान एक सुप्रसिद्ध नेता था जो खानाबदोश के तौर पर खानाबदोश समूह को लीड कर रहा था। पर आप इसको देखोगे तो 13वीं शताब्दी के अंदर में बड़े पैमाने पर राज्य का निर्माण किया गया, अलग अलग तरीके से विकसित हुआ, और जो खानाबदोश जो लोग थे वो किस प्रकार से विकसित हुए, क्या चीजें थी, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है। चंगेज खान का पतन का कार्य क्या रहा, रीजन क्या रहा, वो हम किसी और वीडियो के अंदर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे नॉर्मली चंगेज खान का नाम आता है कि चंगेज खान भी एक खानाबदोश के तौर पर जीवन व्यतीत कर रहा था। वो धीरे 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 डोमिनेट करने लगता अपने जो भी ग्रुप था समुदाय था वो, और आगे बढ़ जाता है। जेराल्ड चाइल्डियन के अनुसार में कहा गया कि आतंकवाद की उत्पत्ति खानाबदोश योद्धा संस्कृति से हुई है, ठीक है। ये माना जाता था, कई जगह आपको सेंटेंस देखने के लिए मिल जाएगा जहां पे ये माना जाता है कि जो खानाबदोश की उत्पत्ति हुई है ना, जो भी वो आज है जिस समय में भी जिस भी कंडीशन में, उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं जो है ना खानाबदोश के से थोड़ा सा संस्कृति से हुई है, जो भी खानाबदोश की संस्कृति है उससे वहां पे माना जाता है कि हुई है, ठीक है। खानाबदोश स्टेपी युद्ध खानाबदोश जो स्टेपी शैली युद्ध है वो प्राथमिक ऐतिहासिक और कई भाषाओं में पाए जाते थे, ठीक है। जो खानाबदोश का युद्ध करने का जो तरीका है ना, किस तरीके से युद्ध किया जा सकता है, वो कई भाषाओं में पाए जाते थे। इसमें आ जाता है चीन, फारसी, पोलिश, रूस, शास्त्रीय ग्रीन और ओमियाई लैटिन, इन सब चीजों पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा रहता है आपका खानाबदोश वाला साम्राज्य का कि किस तरीके से क्या हुआ, ठीक है। नॉर्मली हमें ये समझ में आता है इस चैप्टर के अंदर में कि एक जो मनुष्य का परिवर्तन चक्र है वो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, जो क्रमिक विकास हो कैसे विकास क्या विकास होने की प्रक्रिया क्या थी, वो हमें समझ में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि रातों रात मनुष्य अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे एक लंबे समय अंतराल के साथ में धीरे धीरे वो आगे विकसित होता चला गया, फिर वो इस प्रक्रिया में पहुंचा कि वो खानाबदोश पशुपालक की जिंदगी स्टार्ट कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आप सभी भी स्टूडेंट से कि आप हमारे दोनों चैनल द ईनब और नव इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और हमारी वीडियो कैसी लगी वो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वैल्यूबल थी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको हमारा नोट चाहिए, द इनअप का नोट चाहिए, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हमारे गूगल ब्लॉगर को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।